तो भाई जैसे कि सिल्वर 5 का बंदा इस मैच को खेलने वाला है और भाई ये मैच बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर होने वाला है। लास्ट बॉल तक भाई होप छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे टॉस जीत के भाई मैथ्यू वेट के साथ और जिमी निशम के साथ। और ये भाई बहुत बढ़िया 431 शॉट खेला है और अच्छे से टाइमिंग भी कर दिया है, तो चौका मिल गया। अच्छे से टाइमिंग का मतलब चौका मान लो भाई, अभी फिलहाल वहीं हो रहा है, यहाँ पे विकेट जाएगा आसान तरीके से। 268 खेलने गए थे भाई जबकि 431 खेलना चाहिए था। बिल्कुल इस बार बहुत बढ़िया टाइमिंग और मिल गया 6 रन, यहाँ पे 6 रन आ गया। तेज गेंद है भाई और सीधे पड़ के अंदर आई और विकेट चला गया। इस बार भाई 431 खेले हैं, गैप में है, चौका मिल जाएगा आसान तरीके से। चलिए अगली गेंद भी गुड लेंथ पे ही डाल रहे भाई, इस बार भी बहुत बढ़िया पीछे हट के रूम बना के चौका मार दिया। अभी भाई टाइमिंग थोड़ा सा मसला हो गया बहुत ज़्यादा, इस बार भी भाई क्या बात है, हैट्रिक चौका भाई, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे। 431 का पूरा उपयोग इस बार भी भाई टाइमिंग नहीं हो पाई, पर भाई 30 यार्ड सर्कल को हम क्रॉस करवा देंगे। इस बार देखते हैं पीछे खेला है भाई, जब तक थ्रो होगा 2 रन की कोशिश हम करने वाले हैं और पूरा भी हो जाएगा। पावर प्ले में भाई हमारे 32 रन बने हैं। तीसरी ओवर भाई पहली गेंद निशर कर रहे हैं भाई और यहाँ पे हल्के हाथों से खेल के और 2 रन भाग लिया है भाई। ये भी करना पड़ेगा अभी भाई, आपको पूछ स्ट्रोक भी आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके आप डिफेंड करने लायक स्कोर बनाइएगा। देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया शॉट खेले हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है भाई, कैच आएगा, टाइमिंग हो ही नहीं रहा है भाई, सबको यही दिक्कत हो रहा है भाई टाइमिंग। देख लीजिए मैंने सोचा चलो इधर खेल लेते हैं, यहाँ पे विकेट गिर गया। तो भाई देखो टाइमिंग एक बार देखो भाई हुआ था कि नहीं, एक बार भाई टाइमिंग आप लोग देख लेना कुछ बोलने से पहले, अच्छे खासा भाई इस बार थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हुआ और यहाँ पे विकेट चला गया। भाई बहुत डिफिकल्ट कर दिया है मल्टीप्लेयर को भाई, पता ना ऐसे क्यों हुआ है। और उम्मीद है भाई कि छोटी सी भाई यहाँ पे 6 रन आ गया था भाई, इस बार बहुत बढ़िया शॉट, छोटी सी एक अपडेट आएगी और वहाँ पे भाई इसे शायद फिक्स कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत अभी न्यूज़ यही मिल रही है, अब देखिए सच्चाई क्या है। इस बार गुड लेंथ पे बॉल पीछे हट के रूम बना के यहाँ पे 2 फील्डरों के बीच से निकाल दिया 4 रनों के लिए, क्या बात है। और भाई 5 ओवर में 58 रन बने, 59 का टारगेट मिला है। पहली गेंद यहाँ पे पीछे हट के बहुत बढ़िया शॉट खेला है, चौका मिल जाएगा आसान तरीके से। पहली गेंद पे चौका, इस बार वाइड यॉर्कर बहुत बढ़िया भाई, एकदम विकेट में जाके लग गई भाई, ड्रिफ्टर गेंद थी और जाके विकेट में लग गई। इस बार देखते हैं चौथी गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग का मसला भाई, सारे प्लेयर्स को लेके डूब रहा है अभी फिलहाल और मैक्सिमम प्लेयर तो भाई गेम को छोड़ ही दे रहे हैं। इस बार भाई गुड लेंथ पे बॉल पीछे खेलना चाहते थे और यहाँ पे गैप को तलाश लिया है, 4 रन मिल गया भाई। पहले ओवर से 8 ही रन आए हैं, चलिए देखते हैं दूसरी ओवर। टर्नर कर रहे हैं गेंदबाजी, जब तक थ्रो होगी 2 रन लेने का मौका है और भाई 2 रन आसान तरीके से पूरा भी हो जाएगा। तो टर्नर भाई ज़्यादा वेरिएशन है ना इनके पास लेकिन गेंदबाजी बढ़िया करते हैं। ओ भाई सब क्या टर्न हुई है बॉल भाई, जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार देखते हैं धीमे गति की गेंद, बहुत बढ़िया शॉट, एक पैरों को मोड़ के भाई गैप को तलाश लिया और चौका लगा दिया, 15 रन आ गए हैं भाई। इस बार भाई वाइड एयर को खींच के मारना चाहते थे लेकिन फील्डर है वहाँ पे, पावर प्ले खत्म हो चुका है तो, और यहाँ पे आसान सा विकेट चला गया है। पैरों पे यॉर्कर बहुत बढ़िया शॉट गैप में मार दिया है, चौका मिल जाएगा आसान तरीके से क्योंकि भाई थोड़ी सी ऑप्टिमाइज की गई है गेम को। इस बार बहुत बढ़िया शॉट लेकिन टाइमिंग उतना ही बेकार और एक आसान सा कैच यहाँ पे हो गया, 4 विकेट गिर गए हैं भाई अपोनियन प्लेयर के। इस बार भाई बहुत बढ़िया शॉट और जब तक थ्रो होगा यहाँ से 2 रन लेने की पूरी कोशिश रहेगी और आसान तरीके से पूरा भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, गुड लेंथ पे बॉल है, बढ़िया शॉट है लेकिन भाई साहब वही हुआ जो नहीं होना चाहिए और एक आसान सा कैच, पीछे भाई भागे और कैच को पकड़ा है। और चलिए देखते हैं अब क्या होता है, हल्की सी शॉट गेंद और बहुत बढ़िया शॉट, अब भाई 9 बॉल 24 रन की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है, ओहो ये चौका आ गया भाई। अब भाई 8 बॉल 20 रनों की ज़रूरत, क्या होगा यहाँ पे, क्या जीत पाएंगे हम या हारने वाले हैं। वाइड यॉर्कर बहुत बढ़िया शॉट और जाएगा 6 रनों के लिए, यानी कि भाई 14 रनों की ज़रूरत। आखिरी गेंद और यहाँ पे बीट किया है, आखिरी ओवर 14 रन की ज़रूरत, क्या होगा देखने वाली बात होगी। पहली गेंद यॉर्कर के साथ शुरुआत और बहुत बढ़िया शॉट, जब तक भाई थ्रो करेंगे 2 रन की कोशिश यहाँ पे नहीं करेंगे सामने वाला अपोनियन प्लेयर। और भाई अब 5 गेंदें 13 रन, इस बार भाई डॉट हो गया, 4 गेंदों में 13 रन, थ्रिलर होने वाला है भाई। ओ हो गजब का शॉट है और पूरा का पूरा 6 दिख जाएगा। अब भाई 7 रन चाहिए 3 गेंदों में और यहाँ पे विकेट आएगा भाई, 2 गेंदें 7 रन, 2 गेंदें 7 रन, थ्रिलर मैच होने वाला है भाई। चलिए देखते हैं इस बार गुड लेंथ में बॉल, बहुत बढ़िया शॉट, जब तक थ्रो होगी
हार के दो रन पूरा करना चाहिए यहाँ पे और पूरा भी हो जाएगा आसान तरीके से। आखिरी बॉल पे भाई 5 रन जीत के लिए 4 रन ड्रॉ के लिए क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं इस बार भाई क्या होने वाला है। गुड लेंथ बॉल, ओहो पूरे तरह से बीट कर दिया है और 4 रनों से इस मुकाबले को हम जीत लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप भी टाइमिंग से परेशान हैं तो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।